प्रोफेसर कामरान हुसैन को एडिशनल चार्ज देने के खिलाफ शेख जायद अस्पताल में डॉक्टर सराप एहतजाज। डॉक्टर्स ने अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी। दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर इलाज वापस जाने पर मजबूर। एडिशनल चेयरमैन कामरान हुसैन अपनों को नवाज रहे हैं, मुजाहिरीन का इल्जाम। रिपोर्ट करेंगे फारूक हमजा। फारूक हमजा बताइए इस बारे में। डॉक्टर एक बार फिर सराप एहतजाज है। एहतजाज में यंग डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल की दूसरी यूनियन जो है वो भी शरीक है। उनकी जन्म से कहा जा रहा है कि चेयरमैन शेख जायद अस्पताल, जिनके पास एडिशनल चार्ज है, वो अपनों को नवाज रहे हैं और अस्पताल के अमले के साथ जो है वो इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर्स ने आज शेख जायद में मुकम्मल तौर पर हड़ताल की हुई है। कोई डॉक्टर जो है वो आउटडोर इनडोर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मरीज बगैर इलाज मुआवजा जो है वो घरों को लौट रहे हैं। ओपीडी बंद होने से दूर दराज से आने वाले मरीज जो है उनको इलाज मुआवजा की सहूलियात भी मुहैया नहीं की जा रही। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पताल में मुस्तकिल चेयरमैन का तकरर किया जाए, एडिशनल चेयरमैन कामरान। ठीक है, ओपीडी बंद होने से मरीजों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।